दो किलो चिकन ले लिया हमने, तो चिकन डाल दिया है इसमें। लगाए तो पकड़ से पकड़ लेते और इसको अच्छे से फ्राई कर लेते। देखिए चिकन हमने अच्छे से फ्राई कर लिया, इसका कलर भी चेंज हो गया। तो कुछ मसाले डाल देंगे, खड़े मसाले, ये तेज पत्ते हैं चार से पाँच, और ये साबुत गर्म मसाला है। हमने दो बड़ी इलायची ली, 6 से 7 छोटी इलायची है, आधा टीस्पून काली मिर्च है, आधा टीस्पून लौंग है, और 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है, और ये 2 इंच हमने दालचीनी के टुकड़े लिए, और ये हमने जावित्री का पीस लिया है पूरा फूल, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया, 2 बड़ी इलायची, ये डाल देंगे। और इसी के साथ साथ हमने ये हरी मिर्चें ली हैं, 200 ग्राम के करीब हरी मिर्चें हैं ये, और आप चाहे तो कम डालें, अगर चाहे आपके बच्चे ज़्यादा तेज़ नहीं खाएं तो आप कम डाल दें। और अदरक लिया हमने 2 इंच अदरक का टुकड़ा, ये डाल देंगे। इसी के साथ साथ 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी डाल देंगे इसी में। तो इसे सबको हम अच्छे से मिला देते हैं। ये देखिए हम 400 ग्राम के करीब दही डाल देंगे इसमें, आप चाहें तो आधे टमाटर और आधा दही भी डाल सकते हैं। दही से टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है, ये डाल देते हैं अच्छे से। देखिए 1 कटोरी हम हरी मिर्च का अचार है, ये डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही मज़ेदार। तो बिरयानी में जब तक अचार नहीं होता तो वो बिल्कुल बाजार जैसी नहीं लगती है। इसी के साथ साथ हमने 2 टेबल स्पून नमक लिया, 1 टेबल स्पून सौंफ पाउडर है, ये भी डाल देंगे इसी में। इसे मिक्स कर देते हैं अच्छे से। ये देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया, तो इसमें और ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी, भाई यही सब जाएगा, और बिल्कुल एकदम देख जैसी बनेगी, तो आप ज़रूर ट्राई करें। और बिल्कुल सिंपल सा है ये बनाना बिरयानी जो है, ज़्यादा ये नहीं है कि हाँ जी ऐसे और वैसे और ये और वो, दुनिया भर की चीज़ें हैं कैसे बनाएं, तो सिंपल सी है बिल्कुल। तो इधर हमने 1.5 किलो चावल ले लिए, ठीक है, चावल धो के रख लिए अच्छे से, इसका पानी निथाल देते हैं, चावल डाल देते हैं इसमें। देखिए पानी डाल देते हैं, चावल से जो है थोड़ा सा ऊपर पानी डालना है हमें, मिक्स कर देते हैं अच्छे से। तो ये हमने 1 जग पानी डाल दिया है, 2 से 2.5 लीटर के करीब पानी हमने डाल दिया इसमें। अब हम इसे उबाल आने देते हैं और फिर जो है नमक चखेंगे हम। ढक देते हैं, ये थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल देंगे ताकि चिकन में भी अंदर तक चला जाए, इसलिए कुछ बचा रही है। देखिए हमारे जो बिरयानी में उबाल आ गया अच्छे से, ऊपर चम्मच चला देते हैं इसमें। तो आप इस टाइम नमक चख सकते हैं, इसमें नमक फीका हो तो आप डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा हाथ को रोकते हुए नमक डालें, देखिए इसमें बढ़िया सी लग रही है। तो मिर्चें जो हैं आप अपने हिसाब से डालें, कम या ज़्यादा, अगर जो आपको चटपटी चाहिए तो जैसे हमने डाली है बिल्कुल ऐसे ही डालें चटपटी बिरयानी के लिए, और नॉर्मल चाहिए तो आप मिर्चें कम कर सकते हैं। देखिए इसमें अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया, तो इसको जो है ज़्यादा नहीं चलाएंगे हम, नहीं तो चावल जो है टूटने का डर रहता है। तो इसे हम अब पकने देते हैं और जब कलर डालेंगे तब दिखाएंगे हम आपको। ये देखिए हमने 1 बारी चम्मच और चला दिया था इसमें, बिरयानी हमारी बहुत ही बढ़िया सी बन के तैयार हो गई है। अब इसमें हम कलर डाल देंगे, आप चाहे तो घोल के डाल दें या हम ऐसे ही डालेंगे इसमें, जितना आपको ज़रूरत है इसके हिसाब से आप कलर डाल सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम ऊपर से, ताकि जो ऊपर के चावल है उसमें भी चमक हो जाए अच्छे से।
10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए 10 मिनट हो गए इसको दम पे आते हुए। चूल्हा जो है हमने बिल्कुल हल्का कर दिया है। देखिए कितना बढ़िया सी हमारी बिरयानी बन के तैयार हो गई है बहुत ही अच्छे से। तो अब हम डिश में निकाल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारी बिरयानी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी हमारी रेसिपी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।